हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी है इवनिंग का टाइम, तो मैं अभी से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सो गई थी, ऐसे ही लेटी थी, सोई नहीं थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। और आज दोपहर में खाने में बनाई थी मैंने ये उड़द दाल की बड़ियाँ ये बनाई थी, और चावल। तो ये इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ये मैंने धूप लगाया है इनको थोड़ा सा, तो धूप दिखाया था क्योंकि कभी सीत जाती है ना बीच बीच में तो डर रहता है, तो मैं ऐसे एक दो महीने में इनको धूप दिखाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने चने भी फुला कर रखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने डब्बे ही में रख दिए, तो इसलिए क्योंकि जब थोड़ी सी चीज़ बचती है ना, थोड़े थोड़े से जैसे छोले चने कुछ भी हो गए, तो मैं क्या करती हूँ उसी डब्बे में ही मैं पानी डाल कर रख देती हूँ, जिससे है ना डब्बा भी धुल जाएगा और साफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो बस अभी मैं बनाने जा रही थी इवनिंग की चाय, तो अभी हम लोगों की चाय भी नहीं बनी है, हस्बैंड थोड़ा सा और बाहर का जो काम है वो कर रहे हैं। और देखिए मेरी कंघी ना बड़ी ढीली ढाली हो गई क्योंकि ना सो गई थी ना, तो ये पफ बनाया था मैंने, तो थोड़ा सा ढीला हो गया, लेट गई थी मैं। और बस थोड़ा सा और काम चल रहा है बाहर का, काम आज कंप्लीट है पूरा, बर्तन भी धुल गए हैं, बस इनको जमाना बाकी है। कार्तिक नहा के आ रहा है। चलिए मैं चाय बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ एक मिनट, मैं चाय बनाने वाली थी पर यहाँ पर मैं जामुन खाने बैठ गई हूँ क्योंकि कार्तिक लेकर आया था अभी, यहाँ पर ठेला में बिकने के लिए आए थे तो उसने लिया। मैंने चाय इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली धूप, तो इच्छा ही नहीं हो रही थी चाय पीने की। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा लेट बनाऊँगी नल के टाइम पर, जब नल आएगा तो तभी मैं चाय बनाऊँगी। तो सोचा अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी और इतनी खट्टी खट्टी जामुन थी, बेकार थी, पर लेके आया था तो फिर हम लोगों ने खा भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ना आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चलती हैगी आम के पेड़ के नीचे। और ये देखिए नल भी आ गया है, तो बस अब मैं इसे पाइप लगाकर फिर पानी भरती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर चाय चढ़ाने के लिए और मेरे हस्बैंड जब तक बाहर का जो पानी है वो भर रहे हैं पाइप से, तो ड्रम वगैरह भर लेंगे और बाल्टी वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ के जो नल हैं वो दो टाइम पे आते हैं, सुबह और शाम, तो हमें भर कर रखना पड़ता है पानी। तो बड़ा वाला ड्रम भर लेते हैं और छोटे वाले जो डब्बे हैं वो सभी बर्तन भर कर रख लेते हैं, तो सुबह शाम जो भी यूज होता है तो यही पानी हम लोग यूज कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक टाइम पे नहीं भी आता है तो दिक्कत हो जाती है, तो बस इस वजह से भर कर रख लेते हैं। यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, तो जब तक मैं चाय भी चढ़ा दूँगी बनती रहेगी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पानी भी भरती जाऊँगी। तो आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट सच में बहुत अच्छा लगता है, सच्ची में आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत एनर्जी मिल जाती है। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, सच्ची में इसी तरह सपोर्ट करें। अभी जाके मैंने चाय चढ़ाई है क्योंकि थोड़ी देर में बैठ गई थी ना, तो फिर मैं एडिटिंग ही कर ली मैंने वीडियो की, तो उसमें टाइम लग गया और उस टाइम पे 4:30 बज रहे थे, पर फिर मैंने सोचा एडिटिंग कर लेती हूँ, तो मेरा एडिटिंग का काम ख़त्म हो गया। आजकल ना थोड़ा सा वीडियो ना थोड़ा देर से आता है और रुक रुक के, तो वो इसलिए क्योंकि ना कार्तिक की पढ़ाई चालू हो गई है, तो उसके कारण ना नेट भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ना नेट चला जाता है तो मेरे लिए बसता ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे करके ना 2 दिन में करना पड़ता है। पता नहीं कितने दिन तक ये सब चलेगा, पर देखते हैं जितने भी दिन चलेगा। क्या पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, अभी चालू हो गई है तो हो ही गई है, तो कम से कम चलती रहेगी। और बस तो फिर मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ, तो अभी मैंने एक वीडियो एडिटिंग की है और सोच रही थी शाम को डाल देती, पर देखते हैं
नेटो होगा तो फिर डाल दूँगी, आप लोग समझ सकते हैं थोड़ी बहुत। हाँ इसलिए मैं थोड़ा मतलब रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो रोज़ आप लोगों को मिल जाता है, पर अभी थोड़ी सी कंडीशन ऐसे ही हो गई है। चलिए चाय छना लेती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट आने के कारण मैंने बता दिया है कि इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, और नेट मेरा एक ही मोबाइल में डलता है तो दोनों मोबाइल चलते हैं उससे, तो यही कंडीशन हो जा रही है। खैर अभी हो रही है जब से ये पढ़ाई थोड़ा चालू हुई है, नहीं तो ऐसा नहीं होता था, आप लोग भी जानते हैं। और बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे कि मैं बहुत ही रियल हूँ, बहुत ही मतलब एकदम जो भी रहता है सामने वही दिखाती हूँ। तो देखिए ऐसा है कि YouTube पे हम अपना जो चैनल बनाए हैं तो रियल लाइफ ही बनाएंगे ना, तो क्योंकि क्या दिखावा करना, तो जो है सामने है वही दिखाती हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो काम है हमने YouTube पे चालू किया है, तो इसमें सज के संवर कर हर किसी होती है कि वो किस तरीके से वीडियो बनाना पसंद करता है। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा जो रूटीन है वो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल होता है। मॉर्निंग भी होती है तो मैं जैसी भी रहती हूँ वैसे आप लोगों के सामने आती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है मतलब कि तैयार होकर आना, सबकी अलग अलग एक चॉइस होती है, किसी को अच्छा मतलब तैयार होकर सामने आना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं ज़्यादा तैयार होती ही नहीं है, मैं आप लोगों को सही बता रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं घर में रहती हूँ ना तो मेरी इच्छा ही नहीं होती है ज़्यादा, जैसी रहती हूँ वह सिंपल दिखाना ही पसंद करती हूँ आप लोगों को। हाँ कभी जब कहीं जाना आना होता है ना बाहर, तब जाके मैं इतना तैयार रहती हूँ, और कभी कभी मन भी हो जाता है तो इस वजह से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बस मेरा कुछ लाइफ स्टाइल इसी तरीके का है, और आप लोगों को पसंद आया, मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को मेरा इतना सिंपल सा लाइफ स्टाइल पसंद आया, और मैं बहुत खुश हूँ सच। तो देखिए यहाँ पर मैं पानी दे रही हूँ पौधों को, क्योंकि अभी पानी गिरने के बाद ना तेज़ वाली धूप आ गई थी, मतलब आज नहीं गिरा था, कल पानी गिरा था, आज सुबह से धूप ही धूप थी, तो फिर पौधों को मैंने पानी भी दे दिया है। तो बस इनको दे देती हूँ पानी, और उसके बाद मैं पानी भर रही थी तो पानी भी भर लिया है, और अभी चाय मैंने निकाल कर रखी है। तो हम लोग क्या है थोड़ा सा ठंडी चाय ही पीते हैं, तो मैंने चाय निकाल कर रख दी है घर। और काम आप लोग देख रहे होंगे बस अभी यहीं पर अटका हुआ है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब जहां था वहीं रुका हुआ है, तो अभी काम नहीं शुरू हुआ है, और काफ़ी दिन हो गए हैं काम को रुके हुए, करीब 15 से 20 दिन तो हो ही गए हैं, अभी नहीं हुआ है। बस हमने थोड़ा सा जो नीचे का ज़मीन है वो बराबर कर ली है, और आज तो मेरे हस्बैंड का भी मूड हो गया वीडियो बनाने का, तो देखिए वो क्या आम की बना रहे थे कि ये आम कैसे दिखेंगे इसमें, तो थोड़ा सा करीब करके बनाना पड़ता है ना, तो वैसे ही बना रहे थे, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा था, तो वही मुझे हंसी आ रही थी कि नहीं बनाना आ रहा है तो रहने दो। फिर मैंने ही थोड़ा सा कैप्चर कर दिया है, आम दिखा रही थी मैं, तो काफ़ी आम खा लिए हैं और बहुत सारे आम अभी हैं, तो अभी देखते हैं। अभी हम लोग इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि एक डगाल तो जाएगी ही, कटेगी, क्योंकि जब लेंटर पड़ेगा तो एक डगाल हमारी जो बड़ी वाली है वो कट जाएगी, जो आम दिखा रही थी ना वो वाली डगाल कट जाएगी, क्योंकि उस पर लेंटर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आम का पेड़ हम लोग नहीं काटने वाले, क्योंकि इसको तो बचा कर हम रखेंगे ही, क्योंकि अगर ये कट गया तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा घर, और घर क्या फिर हवा, शुद्ध हवा हर चीज़ पेड़ पौधों से ही तो होती है, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पेड़ पौधे ही हमारा साथ देते हैं। और बस इसी तरह से मैं मतलब बहुत से कट गए हैं नहीं बचा पाई, पर घर के कारण तो नहीं बच पाते हैं, बनता है तो, पर आम को तो मैं बचा रही हूँ, क्योंकि उसके कारण मैं जगह भी छोड़वा रही हूँ कि वहाँ तक काम नहीं करवाना है, उतनी जगह छोड़ देंगे, पर आम का पेड़ हम बचाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे, बस चाय बैठे हुए थे, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, शाम का रात हो गई थी, रात का खाना बना रही हूँ, तो सब्जी बन गई है और रोटी भी बन गई है।
सब्जी मैंने अंडे की बनाई है, अंडे की भुर्जी की सब्जी और रोटियाँ। यहाँ इतने सारे पापड़ निकाल कर रखे हुए हैं कार्तिक ने कि वो तलने हैं उसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल का वीडियो मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, बस वहीं पे एंड किया, मतलब रात को। फिर उसके बाद कुछ मैंने अभी से स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, 10 बजे हैं। चाय वगैरह जो भी हमारा वो हो चुका है, बस नाश्ता बनाना बाकी है। अभी बना रही हूँ मैं थोड़ी सी चाय, तो मेरी चाय छड़ी हुई है। और कार्तिक को देखिए, मैं अभी अभी मतलब थोड़ा सा मार्केट गई थी तो वो लेकर आई हूँ। मैंने ये नहीं पहना हुआ था ना, पहन नहीं रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो मार्केट गई हुई थी, थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ। और मैं बिंदी ख़त्म हो गई थी, मैंने आप लोगों से बताया था कुछ ही समय पहले, मतलब कुछ आवाज़ मत दिखाऊँ मेरी 8 आँखें हैं तो खुल गई। तो मैं बिंदी लेकर आई थी, ये वाली मल्टी कलर नहीं मिली, 11 नंबर या 10 नंबर में मैं लगाती हूँ पर नहीं मिली। ये प्लेन वाली, मतलब एक ही कलर में लेकर आई हूँ। तो और ये देखिए कार्तिक को, कार्तिक का काम, मतलब मेरी सारी बिंदियाँ निकाल के और आँखी बनाया हुआ छिपकाया है। देखो छह ऊपर तो नीचे निकाल के रखो हमारी सारी बिंदी। चलो नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करते नहीं। तो मैं और एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरा ये दाग है ना जो थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, अरे तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को हल्का हल्का सा, पता नहीं क्या पिगमेंटेशन है, जो भी है पिगमेंटेशन, तो वो हो गए हैं पता नहीं क्यों, झाइयाँ टाइप की, हाँ झाइयाँ तो वो हो गई है ना। तो मेरे हस्बैंड इसके पीछे पड़े हैं बहुत ही ज़्यादा, इतने दिनों से पड़े हैं ना, जब से ये हुआ है ना, तो ये लगा वो लगा, उनको सही कर तो कुछ नहीं मिला, कुछ सब चीज़ ट्राई किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, तो फाइनली ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं। ये है गोल्ड की ब्लीच क्रीम है, ब्लीच है मतलब गोल्ड की, एलोवेरा विथ एलोवेरा जेल। तो इसको ट्राई करके देखती हूँ हटते हैं या नहीं हटते हैं, पता नहीं अब, बाकी मैंने लगाया नहीं है। पहले लगाती थी मैं शादी के पहले, जब कॉलेज टाइम में थी तब लगाया था मैंने, तब से 10 साल हो चुके हैं, 10 ज़्यादा ही हो गए हैं, 10-12 साल तब से। अब ट्राई करने जा रही हूँ तो देखती हूँ क्या वर्क करता है जे, क्योंकि मुझे भी बहुत ख़राब लग रहे हैं ये। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी सी वाली होम रेमेडीज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा, ये है कि बढ़ नहीं रहा है, रुका है वहीं के वहीं, थोड़ा थोड़ा सा हुआ है तो वो ठीक नहीं दिखता है, दूर से थोड़ा समझ आता है कि ये दाग हैं, ये दो हैं काले काले, इनको हटाना है। चाय पक रही है तो चलिए सब्जी देखे लेती हूँ, सब्जियाँ लेकर आई हूँ जो। तो ये हैं कुछ सब्जियाँ, ये भिंडी मतलब पूरी पट गई थी, तो मतलब सब्जी वाले भैया से तो मैंने पूरी ही ले ली, और ये पूरा धनिया एक गड्ढी, इसको साफ़ करना है। आलू प्याज करेले बहुत फेवरेट हैं मेरे हस्बैंड जी के, एक पाव करेले हैं, और इसमें भी है, इसमें लाल वाली साग है, ये है, आज लाल वाली साग बनाऊंगी, ये अभी बना लेती हूँ एक, और ये अदरक पूरा नहीं है, आधा अदरक है और आधा अरवी है, ये एक मिनट खोल के, तो ये अदरक है और अरवी लेकर आई हूँ, तो ये भी बना, मतलब अभी नहीं बनाऊँगी, इनको अच्छे से धुलकर और रख दूँगी, बस इतनी ही सब्ज़ियाँ मैं लेकर आई हूँ। तो हम लोगों ने ये पलंग है ना थोड़ा सा इस तरीके से रख लिया है, क्योंकि अभी काम आम तो लग नहीं रहा, तो थोड़ा सा उठने बैठने के लिए ऐसे जमा दिया, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना तो यहाँ बैठ जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ना पलंग जमा लिया है थोड़ा सा वहीं पर,
अच्छा लगता है, शाम टाइम सुबह टाइम बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है। बस अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद सारे काम में लगती हूँ और वीडियो कंटिन्यू करती हूँ लगातार। चलिए, और आज बनाऊंगी मैं दोपहर के लंच में लाल साग। तो वो तो मैं सब्जियां लेकर आई थी, तो आज सब्जी में मैं लाल साग बना ले रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस इसी के रहते हैं। तो पहले मैं लाल साग बना लेती हूँ। मैंने एक ही गड्डी ली थी और उसी को मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और लहसुन और मिर्ची ली है तो उसको मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा प्याज लिया है, आज मैं प्याज के साथ बना रही हूँ। कभी कभी मैं इसको आलू के साथ भी बनाती हूँ, तो मतलब अलग अलग तरीके से, कभी प्याज के साथ कभी आलू के साथ, पर दोनों मिक्स करके नहीं बनाती हूँ। तो आज प्याज के साथ बना रही हूँ, एकदम मतलब भुजिया टाइप की बन जाएगी, चटनी जैसी हो जाती है वैसे भी लाल वाली साग, क्योंकि ये जल्दी ही पचक जाती है। तो बस दाल चावल मेरा बन गया है और यहाँ पर मैं लाल वाली साग भी बना रही हूँ। बाकी सब्जियों को मैंने हल्का मतलब धोल कर और अच्छे से सुखा कर उनको फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि अच्छे से सब्जियों को सुखा कर और धनिया मिर्ची को साफ़ करके और रख दिया है तो ज़्यादा समय तक चल जाती है। अच्छा, एक कमेंट था, मतलब नए नए जो चैनल खोले हैं तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया है कि मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ। तो देखिए सिस्टर, इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं पता, बस ये है कि जो जिससे मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, काइन मास्टर, उसी से मैं थंबनेल भी बना लेती हूँ। तो मेरा इसमें कोई अलग अलग ऐप नहीं है, बस मैंने एक ही ऐप यूज करती हूँ, काइन मास्टर, उसी से मैं सारा काम करती हूँ। अगर आपको अच्छे से अच्छा बनाना है तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे और जानकारी भी मिल जाएगी। मैं क्या बता पाऊँगी क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं हूँ। तो बस मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी परेशानी या दिक्कत हो रही होगी, तो आप एक बार सर्च करके देखिए, आपको अच्छे से अच्छे थंबनेल्स मिल जाएंगे बनाने के लिए। लेकिन मैं काइन मास्टर के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल मतलब इसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। बस इतना ही बताया कि काइन मास्टर से ही मैं जैसे वीडियो एडिट करती हूँ वैसे ही बना लेती हूँ। आप एक बार देख लीजिएगा काइन मास्टर में, अगर हो सके तो। पहली बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं क्या बोलूँ। तो बस आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर साग बन गई थी और बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।